हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर फीसे कोने वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम मैथ के एलपीपी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आते हैं और ये चैप्टर भी काफ़ी सिंपल होता है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने पिकअप किया है और आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा आपको सोलूशन भी बताई जाएगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक like ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में तो एलपीपी जो चैप्टर होता है काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आप इसे सेकेंड ईयर यानी ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं और अगर आप बी करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी का बुक आता है जिसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है तो ये हायर स्टडी में भी काफ़ी काम आता है तो आप इसे अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा तो चलिए एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आपको उसका सोलूशन भी बताता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द सलूसन सेट ऑफ द इन इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फाइव इज तो बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा ऑप्शन बी कह रहा है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एल पी पी इज इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा ए बी ऑप्टीमाइज ठीक है अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का यहाँ तो पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ठीक है इसमें चार ऑप्शन दिए गए आपको बताना है कि कौन सा जो सेट है वो कन्वेक्स है तो तीसरे में ऑप्शन तो चार ऑप्शन मिल रहे हैं तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है अब हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन का तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट टू एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन और इक्वल टू एटीन कॉमा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन कॉमा एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है यहाँ पर फॉलोइंग यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो जेड का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि क्या होगा तो बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नन ऑफ दिज यानी इसमें से कोई भी इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा अब हम छठवा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो छठवा क्वेश्चन कह रहा है द ऑप्टीमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट दैट पॉइंट तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा ठीक है गिवेन बाई कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ये आंसर होगा सातवां क्वेश्चन है द मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट यहाँ पर फिर से एक दिया है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा फिर बात करें इसका करेक्ट आंसर का इसमें डी करेक्ट होगा यानी नन ऑफ दीज यानी इसमें से कोई नहीं होगा फिर बात करते हैं आठवां क्वेश्चन का तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर्ड ए एल पी पी गिभेन बाई यहाँ पर ठीक है दिया गया है मिनिमम यहाँ पर आपको एक पॉइंट गौर करना है यहाँ मिनिमम लिखा है ठीक है z इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है फिर सब्जेक्टेड टू यहाँ पर एक और इन इक्वेशन यहाँ पर दी गई है चार इन इक्वेशन दी दी गई है फिर नीचे लिखा है रीडन टेंट कॉन्स्टेंट इन दिस एल पी पी आर ठीक है तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन ठीक है अब हम नौवें क्वेश्चन का बात करते हैं तो नवा क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री वाई कैन बी मैक्सीमाइज सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर नौे का बात करें कौन सा आंसर सही होगा तो आंसर सी सही होगा एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ठीक है अब हम बात करते हैं दसवां क्वेश्चन का यहां तो पर दसवां क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉन्स्टेंट इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड ठीक है तो बात करें इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऑप्शन ए क्या कह रहा है द प्रॉब्लम इज टू बी रीइवेलुएटेड ठीक है अब हम एक ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं तो एक ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट ठीक है इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी एल पी पी एडमिट एंड ऑप्टीमल सोल्यूशन बी कह रहा है ए एल पी पी एडमिट्स यूनिक ऑप्टीमल सॉल्यूशन सी कह रहा है इफ फेल एल पी पी एडमिट्स टू ऑप्टीमल सोल्यूशन इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिकमल सॉल्यूशंस और ऑप्शन डी कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एल पी पी इज नॉट ए कन्वर्स सेट तो बात करें तो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट होगा इफ एल पी पी एडमिश टू ऑप्टीमल सोल्यूशन इट हैज़ एन नंबर ऑफ है ठीक है ये वाला ऑप्शन सी सही होगा ट्वेल्थ का बात करते हैं तो ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेक्स सेट ठीक है इसमें से बताना है कि कौन सा जो सेट दिया गया है वो कन्वेक्स सेट नहीं है तो यहां पर कन्वेक्स सेट का अगर आप डिफिनेशन आपको पता है तो आप इजिली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से कन्वेक्स सेट सेट नहीं है तो बात करें तो ट्वेल्थ में ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑप्शन जो सी है वो कन्वेक्स सेट नहीं होगा फिर अब बात करते हैं थर्टीन नंबर ऑफ क्वेश्चन का तो थर्टीन में कह रहा है ग्राफिकल मेथड द सल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ठीक है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बताना है आपको मैक्सिमाइज करना है z इज कॉल टू क्या दिया है थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू फिर सब्जेक्टेड टू यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है इन इक्वेशन आपको इसे सॉल्व करना है ठीक है और आपको बताना है ठीक है कि कौन से पॉइंट पे ठीक है जेड इज टू थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू का वैल्यू मैक्सिमम होगा और वो जो मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाला है वो कितना होगा ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंट भी दिया हुआ है और जेड का वैल्यू भी दिया है तो आपको बताना है किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो बात करते हैं आंसर का तो थर्टीन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा एक्स वन का वैल्यू टू आएगा एक्स टू का वैल्यू सिक्स आएगा और जेड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स आएगा यानी मैक्सिमम वैल्यू थर्टी सिक्स होगा और पॉइंट किस पे टू कामा सिक्स पे ठीक है अब हम चौदहवें क्वेश्चन का बात करते हैं तो चौदह क्वेश्चन में कह रहा है द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इन सिस्टम एक्स वन कामा सॉरी एक्स कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू थ्री इज ठीक है इसमें ऑप्शन चार दे रहे हैं पहला ऑप्शन कह रहा है अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड है अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट और सी है बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और डी है नान ऑफ दीज इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है अब हम बात पंद्रहवां क्वेश्चन का तो पंद्रहवाँ क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है इज अपटेन ठीक है आपको बताना है कि किस पॉइंट पे ठीक है मैक्सिमम होगा ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा यहाँ पर कांस्टेंट भी दिया हुआ है आपको इसे सॉल्व करना है आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू ज़्यादा होगा ठीक है तो ये भी काफ़ी ईजी आप सॉल्व कर सकते हैं तो बात करें पंद्रहवाँ का तो ऑप्शन डी सही होगा फोर्टी कमा फिफ्टीन पे मैक्सिमम होगा सोलहवां क्वेश्चन बात करें तो सोलावा कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कॉन्स्टेंट ऑप्शन यहाँ पर चार दिया हुआ है तो सोलह में आपका ऑप्शन एक करेक्ट होगा एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर होगा बात करते हैं सत्रहवां क्वेश्चन का तो सत्रह में कह रहा है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइलिटीज ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है इनक्वेलिटी दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है नीचे इन दिया है टू एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू टेन एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन और इक्वल टू फिफ्टीन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आर यहाँ पर जीरो कॉमा जीरो दिया फाइव कामा जीरो दिया थ्री कामा फोर दिया है और जीरो कमा फाइव दिया है। ठीक है फिर यहाँ पर जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू दिया है वेयर द पी कॉमा क्यू इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो डेट द मैक्सिमम ऑफ जेड ऑकर एट बोथ पॉइंट थ्री कॉमा फोर एंड ज़ीरो कॉमा फाइव ठीक है तो आपको आप बताना है ठीक है P और Q के बीच का ठीक है यहाँ पर आप रिलेशन नीचे दिया गया है तो आपको रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना है कंडीशन आपको मैंने पढ़ के बता दिया है तो ये क्वेश्चन आप जरूर से कीजिएगा अपने तरफ से ये थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सोचने लायक है लेकिन हो जाएगा ठीक है नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं इसका सोल्यूशन सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मैंने शुरुआत में क्वेश्चन थोड़ा ही पढ़ा था नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया है तो इसके लिए सॉरी तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर दिया गया और नीचे आपको चार ऑप्शन है पी इजगल टू क्यू पी इजगल टू टू क्यू और पी इजगल टू थ्री क्यू और डी है की ऊजगल टू थ्री पी ठीक है तो ये ऑप्शन है अब बता देते हैं कौन सा करेक्ट होगा तो डी करेक्ट होगा की ईजगल टू तो थ्री पी ठीक है तो ये रहा एल पी पी का टोटल सेवेंटीन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं तो एल से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर